ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ ಜಯ ಭಾರತ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ ಜಯ ಭಾರತ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ರುಗ್ನಾ ಪಾಯೆ ತೂಫಾನ ಸಬ್ಕೆ ಆಗೆ ಬಢೆ ಕದಮ ರುಕ ನಾ ಪಾಯೆ ತೂಫಾನೋ ಮೇ ಸಬ್ಕೆ ಆಗೆ ಬಢೆ ಕದಮ ಜೀವನ್ ಪುಷ್ಪ ಚಢಾನೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತಾ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಹೂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತ ಜಯ ಭಾರತ ವಂದೇ ಮಾತ. 10 जुलाई 1963 में इसकी डॉक्टर सूरज प्रकाश ने इसकी स्थापना की थी. आज पूरे देश भर में ये फैली हुई है. टोटल 1245 इसकी ब्रांचेज है और 1,09,000 इसके सदस्य है पूरे भारतवर्ष में. और ये टोटल 67 प्रांत में पूरे भारत विकास में फैली हुई है और इसको 6 रीजन में बांटा हुआ है. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंटर नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट. भारत विकास परिषद इस देश के अंदर बरसों से समाज के विभिन्न तत्वों के ऊपर, विशेषता विद्यार्थी विद्यार्थियों के ऊपर, युवकों के ऊपर देशभक्ति के, स्वच्छता के, समाज सेवा के संस्कार करने वाली एक राष्ट्रवादी विचारों का एक संगठन है और इसके लिए भारत विकास परिषद ही अभिनंदन को और धन्यवाद को पात्र. NGS यानी कि राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता भारत विकास परिषद का एक खास कार्यक्रम है जिसके माध्यम से, जैसा कि हम सब बताते आ रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो समृद्धि है, उस जो हमको विरासत में मिली है उसका किस तरह से हम संवर्धन कर सकें, उसको हम बनाए रखें. भारत माता बुध जन गीता, भारत माता बुध जन गीता, निर्मल गंगा जलपूता जलपूता. भारत माता बुध जन गीता. जैसा कि इसी नाम में छुपा हुआ है भारत विकास परिषद, भारत का जो विकास करने वाली संस्था उसको भारत विकास परिषद करते हैं. भारत विकास परिषद से मैं लगभग 11 साल से जुड़ा हुआ हूँ. इसमें कोई दिखावा नहीं है. भारत विकास परिषद का एक प्राइम एक्टिविटी है, प्राइम संस्कार एक्टिविटी है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता. ये 5 सूत्रों का कार्यक्रम है जिसमें हम सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं, संपर्क करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ हम संस्कार देते हैं बच्चों को और समर्पण. हम अपना पूरा टाइम समर्पित करते हैं जिससे कि हम जो नीचे तबके के लोग हैं जिनके पास चीज़ें नहीं हैं उन्हें पहुंचा सके. भारत विकास परिषद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है. मोर देन 50 साल का पुराना वाला ऑर्गेनाइजेशन है. बहुत पॉपुलर है नॉर्थ में. भारतीय विकास परिषद दे आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर डिवोटेड टू अ सोशल कॉज. भारत विकास संस्था में आने के बाद मुझे ये इससे पहले मुझे पता ही नहीं था लोग सामाजिक कार्य इतने मन से और इतने समर्पण से करते हैं. मैं एक यूथ के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि हमारा देश अच्छा हो और भारत विकास परिषद बहुत अच्छा काम कर रहा है सबके प्रति, चाहे वो गरीब बच्चे हो या किसी के प्रति भी. सो हम चाहते हैं कि हम भी उनके साथ जुड़े. बेसिकली यहाँ पे जो है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बच्चों का संस्कार डेवलपमेंट इसमें अच्छा होता है. बिकॉज अदरवाइज आजकल ये फेसबुक, व्हाट्सएप और ये इतना टेक्नोलॉजी ने इतना बिगाड़ दिया बच्चों को दैट उनमें वो संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है. एक वो भारत के बारे में, अपनी संस्कृति क्या है, उन सब के बारे में थोड़ा उनको अच्छा नॉलेज मिलता है. एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट भारत विकास परिषद इज टेकिंग. भारत विकास एक ऐसी परिषद है जो मैंने देखा है कि सच में उन लोग काम करते हैं, सिर्फ बातें नहीं होती है इसमें, पार्टीज और ये सब बिल्कुल नहीं होती है. स्कूल के बच्चे इसमें विभाग में भाग ले रहे और ये अपने
बहुत बड़ी बात है। संस्कार को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कई स्कूलों को इन्वॉल्व करते हैं जो अपने भारत देश के बारे में गाना गाते हैं। यहाँ पे आके जो एक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि ये अपनी संस्कृति के बारे में है, ये हमारे भारत के देश के बारे में है, देशभक्ति के गाने, तो बच्चों में एक वो फीलिंग आती है, एक पेट्रोटिज्म की फीलिंग आती है, एक जज्बा आता है। तो वो मुझे खुशी है कि मैं लास्ट 5 साल से इसका NGSC का कन्वीनर हूँ। कॉन्टेस्ट था ऑन मतलब एक किताब है जिसमें हिंदी भारत देश पर डेडिकेटेड बहुत सारे गीत हैं, तो वो गीत को इन बच्चों को अपने आप कंपोज करना था, ना कि एंड उस उनको कंपोज करके प्रेजेंट भी अच्छी तरह से करना था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था बिकॉज सेल्फ कंपोजिशन वाले कॉम्पिटिशन आजकल बहुत कम है। संस्कृत अपना हिंदुस्तान का बहुत भूतपूर्व भाषा है और बहुत मीठा भाषा है, इसको काफ़ी लोग फॉलो नहीं कर रहा है, सो इसलिए हम लोग संस्कृत गाने के बारे में भी प्रमोट करने के लिए इस बार से प्रयत्न किया है। अच्छा था एंड भारत सरकार से जो हम बच्चों को एक बाहर की दुनिया के लिए जो जानने मिला, हम लोगों को नया एक्सपीरियंस मिला और दूसरे लोगों को देख के हमें सीखने भी मिला कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और सारी जजेस की तारीफें सुनने के बाद हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि हम लोगों ने कुछ किया है, बहुत अच्छा किया। व्हाट हैज हैपेंड इज थ्रू आउट वी हैव समवेयर लॉस्ट आवर आइडेंटिटी, means whatever civilization which we belong to, Sanskrit which is our mother tongue is somewhere lost, so usko wapis logo mein jagrukta paida karne ke liye ye ek bahut hi acha kadam hai। NGSC ek hum log ka bharat vikas ka ek aisa program hai jo schoolon mein apne desh ke prati jagrukta paida kar diye, jo aaj ke din bachcho ko bahut zyada zarurat hai। पैट्रियोटिक सॉन्ग लिया है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वो एक मतलब दैट डिस्क्राइब अ नेशन की क्या क्या होता है नेशन में, सो इट्स जस्ट लाइक अप दैट पैट्रियोटिक सॉन्ग हम गा रहे हैं एंड सिंग। और संस्कृत गाने में भी थोड़ा बहुत पैट्रियोटिक था, मतलब हमारे गंगा के बारे में बताते हैं उसमें, फिर उसके बाद हमारा भारत कितना सुंदर है, हमारे भारत माता के बारे में, हरियाली साड़ी मतलब एवरग्रीन भारत माता वो कितनी सुंदर दिखेगी। मैं BKG में क्विज मास्टर बनी हूँ, आई एम आस्किंग क्वेश्चंस टू द कंटेस्टेंट्स। धरती माता हमारी माता है और हमारा देश हमारा गौरव का बहुत बड़ा एक रूप है, जिसे बच्चों के अंदर ये बचपन से संस्कार डाला जाए कि हमारी जिस
धरती पर हम रहते हैं, जहाँ की हवा, पानी, उजाला और जहाँ की सुरक्षा हमें मिलती है, उस मातृभूमि की रक्षा करना, उस मातृभूमि के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त करना, उस मातृभूमि की तारीफ करना की प्रेरणा देना, यह सब बच्चों के अंदर हम डेवलप कर रहे हैं। यह प्रेरणा देना हमारा मूल कर्तव्य है और हमारा मूल उद्देश्य है। नेशनल सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, तो उसमें हम सभी स्कूलों को जोड़ना चाहते हैं कि बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में, भारत के बारे में, जैसे हमारे जो गाने हैं, हमारे देशभक्ति के जो गाने हैं, उसके बारे में बच्चों को और पता चले और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और हम उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं इसके लिए। सोशल वर्क लोगों को देखते हैं तो अच्छा लगता है, करने की इच्छा होती है, उसके लिए बच्चों में भी वो अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें ताकि उनमें वो अवेयरनेस आए अपने देश के बारे में भी और थोड़े एनकरेज रहें उसके लिए। फिल्म सिटी ब्रांच है मलाड की, इतने एक्टिवेटेड काम करती हैं कि हमें भी और लगता है कि आगे बढ़ के उनका साथ देना चाहिए। 5-6 सालों से जुड़ी हुई भारत विकास से और इतना अच्छा और संस्कार से भरा हुआ है ये भारत की संस्कार के बारे में बताता है और इतना अच्छा लगता है इससे जुड़ने के बाद में। और इतने सामाजिक कार्य हो रहे हैं, जैसे हमने धानु में किया है प्रोजेक्ट टॉयलेट्स वगैरह का, जहाँ पर ज़रूरत थी, ज़रूरत के गाँव में ये कार्य किया गया है। गाय को चारा देना जो दुधारू गाय नहीं है, प्लस जो फूड पैकेट है ब्लाइंड लोगों को देते हैं और काफ़ी फूड पैकेट स्लम जगह पे बांटे जाते हैं, वो सब चीज़ों से काफ़ी इम्प्रेस होकर यहाँ पर मैंने मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ थोड़ा महिलाओं को आगे कैसे लाना, मेन इनका ये पर्पज है। मैं भारत विकास परिषद से जुड़े हुए मुझे करीब 5-6 साल हो गए हैं। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उस समय से मैं थोड़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। भारत विकास परिषद से जुड़े हुए मुझे 3-4 साल हो गए हैं, तो यहाँ जो प्रोजेक्ट किए जाते हैं उससे काफ़ी मैं इम्प्रेस हुई। सबको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पूरी करनी चाहिए, तो वही भारत विकास के थ्रू कीजिए, हमारे साथ ज्वाइन कीजिए यूथ में। बच्चों ने अच्छा किया अपनी तरफ से, उनका क्रिएटिविटी थी, एक्चुअली अलग चीज़ थी, वरना यूजुअली हम क्या फिल्मी गाने और वो सब सुनते हैं, लेकिन ये अलग था, सारा लिरिक्स अलग, संस्कृत प्रोनंसिएशन, उस सब पे जजमेंट करना था, इट वॉज टोटली न्यू एंड वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आई पर्सनली फील दैट दिस प्रोग्राम शुड बी प्रमोटेड टू ऑल स्कूल्स, मतलब भारत देश अपनी कंट्री है, आई डोंट थिंक आर चिल्ड्रन नो सो मच अबाउट इट एज मच एज दे नो अबाउट मिकी माउस और ऑक्टोनॉट्स और वो सब प्रोग्राम, तो ये तो कंपलसरीली ये बहुत फैलना चाहिए। इट्स वेरी गुड फॉर द जीके, इट्स वेरी गुड फॉर द फाउंडेशन, वेरी गुड फॉर द कल्चर। भारत विकास परिषद, तो मैं मेरी बेटी के 2 स्कूल्स, मतलब अभी एक स्कूल इसने चेंज किया, दोनों स्कूल में जाकर मैं प्रेजेंटेशन करूँगी कि आप इसको अपनाएं और अपने बच्चों को कहें कि क्रिएटिव होकर अपने भारत की तरफ कुछ और नया बनाए। इतने सारे छोटे छोटे बच्चे भारत के बारे में इतना जानते हैं, वो देख के मतलब हम लोग की जनरेशन वाले इतने ज़्यादा नहीं क्वेश्चंस आजकल कहाँ माइथोलॉजी और ये सब के बारे में इंटरेस्ट रहता है, लेकिन भारत विकास परिषद उनके लिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं और जो बचपन से जो सीखते आए हैं वो ही आगे जाके बढ़ने वाला है। मैं भी चाहता था कि मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरी फैमिली में भी अच्छे संस्कार पड़े हैं, तो उसकी वजह से मैंने इनको आगे किया। हम चाहते हैं कि वुमेन अपनी कंफर्ट जोन से निकले और आए आगे बढ़े, उन सब में पोटेंशियल बहुत है और आप देख रहे हैं आज सारी वुमेन फोक कर रही है, तो हम चाहते हैं देश की सारी औरतें ऐसी जागरूक हों और आगे कुछ करते रहें, आगे समाज के लिए कुछ करते रहें। हम मानते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी है, तो हम चाह परिवर्तन तभी होगा जब औरतें सशक्त होंगी और जब औरतें सशक्त होंगी तो उनके बच्चे भी सशक्त होंगे। हमारे सभी मेंबर्स का सहयोग था, शालिनी जी, विकास जी, गोयल, अरविंद अग्रवाल, सुनील कारीवाल और मेरा बेटा अभिषेक, जो पूरा क्विज तैयार किया है। जिस देश में आप रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, उसके प्रति आपको समर्पित होना चाहिए।